नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल GS Genius Academy पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है PSC का नोटिफिकेशन आ चुका है और साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट जो भी जितने भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी भी बाहर आने ही वाली है, तो आपने तैयारी शुरू कर दी होगी। मैं भी आपके साथ लगा हुआ हूं साइंस की लगातार वीडियो प्रोवाइड करने, तो आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट करते हैं और बोलते हैं उससे कि वीडियो बनाइए। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र का अंतिम वीडियो, जिसका नाम है बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। क्या होती है लार्ज इंटेस्टाइन, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत से बड़ी होती है, छोटी होती है, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। वीडियो के अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बड़ी आंत के बारे में। तो दोस्तों हमने देखा था मुंह में पाचन हो गया, एपिग्लॉटस के द्वारा नीचे आ गया, आमाशय में खाना रखा रहा जिससे हमें भूख नहीं लगी, और यकृत के द्वारा बहुत सारी चीजें निकली, पित्त का पास पित्त रस निकला, ध्यान से सुनना बाइल जूस तो किस प्रकार काम करता है इस पर अपन ने बात की। अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकला, छोटी आंत ने खाने को पूर्ण रूप से पचा दिया। अब बात करते हैं बड़ी आंत जो आपको दिखाई दे रही है, ये है दोस्तों बड़ी आंत। बड़ी आंत और पुराने क्वेश्चन के भी आपने आंसर दिए, मैंने पुरानी छोटी आंत वाली वीडियो में पूछे थे तो मुझे अच्छा लगा, आज भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बड़ी आंत के बारे में। बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। दोस्तों नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा बड़ी आंत, तो क्या छोटी आंत से लंबाई में बड़ी आंत बड़ी होती है? नहीं, लंबाई में बड़ी आंत छोटी आंत से छोटी होती है, केवल बड़ी इसे चौड़ाई के आधार पर बोला जाता है। इस सेंटेंस को आप रिपीट करके ध्यान से सुनना, बड़ी आंत लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई 1.5 से 3 मीटर होती है। इसे चौड़ाई के आधार पर बड़ा बोला जाता है, इसे चौड़ाई के आधार पर बड़ा बोला जाता है। किसके आधार पर बड़ा बोला जाता है दोस्तों? इसे चौड़ाई के आधार पर बड़ा बोला जाता है। तो ये है बड़ी आंत। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है और सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले ये होता है, सबसे पहला वाला भाग सीकम। क्या नाम है? सीकम। फिर आता है कॉलन, सीकम उसके बाद में आता है कॉलन, फिर आता है दोस्तों ध्यान से सुनना रेक्टम। सीकम कॉलन रेक्टम और सबसे लास्ट में जो रेक्टम वाले भाग से निकला होता है उसको बोलते हैं एनस। क्या बोला जाता है? एनस। एनस को हिंदी में बोलते हैं गुदा द्वार। एनस को क्या बोला जाता है दोस्तों? एनस सबसे लास्ट वाला भाग होता है पाचन तंत्र का, जिसको बोलते हैं गुदा द्वार। अब सीकम वाले भाग में ही आपको एक भाग निकला हुआ दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। बड़ी आंत का बड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है। क्या होती है अपेंडिक्स, इस पर अपन चर्चा करेंगे। तो चर्चा करते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई अपन ने देखी 1.5 से 3 मीटर, चौड़ाई के आधार पर बड़ी बोला जाता है। क्या यहां पर भोजन का पाचन होता है? नहीं, यहां पर भोजन का पाचन नहीं होता। तो फिर क्यों इसको अपन ने पाचन तंत्र में शामिल किया, निकाल के फेंक दें क्या? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखते हैं किस प्रकार होती है। तो सबसे पहले यहां पर भोजन का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन नहीं होता, बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। तो ये काम क्या करती है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है ये जल का अवशोषण करती है, जल का अवशोषण करती है, एब्जॉर्प्शन करती है, पानी को खींच लेती है ताकि सॉलिड मटेरियल इकट्ठा हो जाए और शरीर से बाहर चला जाए और शरीर में जल की मात्रा बनी रहे, पूरा पानी शरीर से बाहर ना निकल पाए। तो ये दोस्तों क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। अब पेपर में क्वेश्चन आएगा बड़ी आंत का कौन सा भाग जल का अवशोषण करता है, तो इसके अलग अलग भाग को अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले भाग उठाते हैं इसका सीकम, सीकम वाले भाग को देखते हैं अपन बड़ी आंत के सीकम। तो ये नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? सीकम। और सीकम वाले भाग में ही सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो छोटी आंत रहती है बड़ी आंत से सीकम वाले भाग से जुड़ी रहती है। तो छोटी आंत इसी भाग से जुड़ी होती है, छोटी आंत इसी भाग से जुड़ी होती है,
क्या होती है, छोटी आंत इसी वाले भाग से क्या होती है, इससे जुड़ी होती है। और सीकम वाले भाग में ही ध्यान से सुनना दोस्तों, स्थित होती है अपेंडिक्स। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि अपेंडिक्स कहाँ स्थित होती है, अपेंडिक्स सीकम वाले भाग में ही स्थित होती है। ये अपेंडिक्स होती क्या है, क्यों दी गई है, इस पर चर्चा करते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूं, अपेंडिक्स इसी वाले भाग में स्थित होती है, अपेंडिक्स इसी भाग में स्थित होती है। अपेंडिक्स किसी भाग, किस भाग में स्थित होती है, अपेंडिक्स। आपने सुना होगा कि पेट में क्या होता है, दर्द होने लगता है एकदम से, तो उसको बोला जाता है अपेंडिक्स, मतलब बड़ी आंत का बड़ा हुआ भाग अपेंडिक्स कहलाता है। दोस्तों जब हम आदि मानव के जमाने में थे, मतलब होमो इरेक्टस थे, जब हम बंदर के रूप में थे, हमारा विकास नहीं हो पाया था, हमने अंगों को विकसित नहीं किया था, तब हम बंदर थे, तब हम पेड़ पौधों को, जड़ों को, कच्चे फलों को खाते थे, जिसके कारण क्या होता था, सेल्यूलोज हमारे पेट में जम जाता था, और सेल्यूलोज का पाचन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, अपेंडिक्स का। लेकिन वर्तमान समय में हमारा पाचन तंत्र बिल्कुल बदल चुका है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल, खाने की शैली बदल गई है। अब हम क्या करते हैं, खाने में पिज्जा, बर्गर, रोटी भी बिल्कुल मुलायम, अगर इतनी भी जल जाए तो आंटी ऐसा वैसा चिल्ला देते हैं। तो दोस्तों अब हम क्या खाते हैं, मुलायम चीजें, तो पाचन तंत्र में सेल्यूलोज की कमी हो गई। अब क्या होता है, इसका आकार धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, क्योंकि उपयोग कम होता जा रहा है। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें खाना फंस जाता है, खाने के दाने फंस जाते हैं, तो इसमें सूजन आ जाती है, तो उल्टी दिक्कत पैदा हो जाती है। जब इसमें सूजन आ जाती है तो क्या हो जाता है, इसमें पेट में दर्द होने लगता है और अपेंडिक्स की समस्या हो जाती है। तो डॉक्टर क्या करता है, जब भी पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो जब पेट की ऑपरेशन करता है, तो पूछ लेता है कि भैया आपकी अपेंडिक्स काट दी जाए। मरीज से नहीं पूछता, रिश्तेदारों से, मरीज तो काट दो जो काटना है। तो ध्यान से सुनना, क्या करते हैं, अपेंडिक्स वाले भाग को काट दिया जाता है, क्योंकि इसका उपयोग ही नहीं है, हम ऐसी चीजें खाते नहीं है, नॉर्मली आसानी से पाचन हो जाता है। तो दोस्तों पेपर में क्वेश्चन आएगा अपेंडिक्स कहाँ स्थित होती है, तो अपेंडिक्स सीकम वाले भाग में ही स्थित होती है, और अपेंडिक्स बड़ी आंत का भाग होता है, बड़ी आंत का बड़ा हुआ भाग अपेंडिक्स कहलाता है। चलते हैं अब हम आगे, सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है कोलन, पहला, दूसरा कोलन वाला भाग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करने का ये काम करता है। तो कोलन वाला भाग क्या काम करता है, कोलन वाला भाग जल का पुनः अवशोषण करता है, जल को खींच लेता है, तो जल का पुनः अवशोषण करता है, जल का रीअब्जॉर्प्शन करता है, जल का पुनः अवशोषण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूं कि आप तो डबल स्टार बना लो, दिमाग में छाप लो, क्योंकि आपको पेपर में कॉपी ले जाने नहीं देंगे, आपको केवल क्या ले जाने दिया जाएगा, आपका दिमाग। तो दिमाग में जितनी ज्यादा आप चीजें रिकॉर्ड करोगे, तो आप टिक लगा दोगे और पास हो जाओगे, क्योंकि आप अपने आप को अगर स्मार्ट समझते हो, कॉपी में लिखते जाऊंगा मैं तब पढ़ लूंगा एग्जाम के टाइम पर, तो आप अपने आप पर बोझ पैदा कर रहे हो। जितना हो सके फ्री माइंड रखिए और चीजों को याद करते जाइए। तो सबसे पहले कोलन वाले भाग में क्या होता है, जल का पुनः अवशोषण कर लेते हैं, जल को खींच ले, पुनः नहीं, जल का अवशोषण कर लेते हैं, जल को खींच लेते हैं। मैं आज से कुछ समय बाद वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप 100% इसका गलत आंसर दोगे। सुन लो एक बार और, मैंने क्या बोला यहां पर कि जल का पुनः अवशोषण कहां होता है, कोलन वाले भाग में होता है, कोलन वाले भाग में जल का पुनः अवशोषण होता है। मैं पूछूंगा क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना, पानी खींच लिया, बचा सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल जानते हो ना, सुबह सुबह दोपहर में अपना जिसका जैसा समय रहता है वो निकाल देता है, तो सॉलिड मटेरियल इकट्ठा कहां होता है, रेक्टम वाले भाग में। तो ध्यान से सुनना, तीसरा भाग कौन सा होता है, रेक्टम। तो रेक्टम वाले भाग में क्या होता है, ठोस अवशिष्ट इकट्ठा हो जाता है, ठोस अवशिष्ट, सॉलिड मटेरियल, ठोस अवशिष्ट इकट्ठा हो जाता है, क्या हो जाता है, इसमें ठोस अवशिष्ट इकट्ठा हो जाता है, और अपने अपने समय के अनुसार एनस, जो कि ध्यान से सुनना रेक्टम वाले का अंतिम भाग होता है, एनस बोले तो गुदा द्वार, तो एनस के द्वारा बाहर हो जाता है, एनस, एनस, एनस को बोला जाता है गुदा द्वार। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, ठोस अवशिष्ट इसी से बाहर निकल जाता है, ठोस अवशिष्ट इसी के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा कि ठोस अवशिष्ट शरीर से बाहर निकल गया, ठोस अवशिष्ट मतलब पॉटी,
सीधी बात करें तो, क्योंकि ये शरीर में जब हम खाना खाते हैं जो भी अपशिष्ट बचता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार हमने देखी बड़ी आंत को, छोटी आंत को, पूरे के पूरे पाचन तंत्र को। अगर आपने ईमानदारी से इसको पूरा पढ़ लिया तो पाचन तंत्र में एक भी नंबर का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दांतों से हो, पेट से हो, यकृत से हो, आमाशय से हो, कोई भी चीज़ हो, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देख रखी है तो आपको किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखना ही नहीं है केवल, अगर आपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कि हमने ग्लूकोज खा लिया, पाचन कर लिया, अब हम इसको पूरे शरीर में पहुंचाएंगे। तो इसके बाद पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है, बंद क्या होता है, धमनी क्या होता है, सिराएं क्या होता है, पल्मोनरी धमनी क्या होते, कैसे आता है हार्ट अटैक, हार्ट में कितने कक्ष होते हैं, तो इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे हम रक्त परिसंचरण तंत्र में। और रक्त को ही क्यों लिया है इसमें, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो चलिए दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि पाचन तंत्र की शुरुआत मुंह में होती है तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो इसका कमेंट जरूर करके आंसर देना मुझे, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जिनेंद्र, थैंक यू।